तुम यहाँ कहाँ भटक रहे हो? ए भाई, जानता हूँ, ये मार्ग श्री कृष्ण के महलों को जाता है। मैं उनसे ही मिलने आया हूँ भाई। यह भी खूब रही, द्वारकाधीश से मिलने का यह कौन सा समय है? महाराज अभी दरबार में नहीं है। अरे पंडित जी, श्री कृष्ण अपने महल के शयन कक्ष में आराम कर रहे हैं। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, हमारे महल के कह दो के दर पे तुम्हारा गरीब आ गया है, गरीब आ गया है। भाई द्वारपाल, मुझ पर दया करो भाई, बस तुम जाकर कन्हैया को ये बता दो कि उनका बाल सखा सुदामा मिलने आया है। मेरे इस फटे हाल पर मत जाओ भाई, तुम बस जाकर मेरा संदेश उस कृष्ण को दे दो, उस कृष्ण को दे दो भाई। क्या हंसी छट्टा करने को हम ही मिले हैं? तुम ठहरे, दीन निर्धन छठेहाल ब्राह्मण, तुम्हारे अंग अंग से गरीबी बदहाली छलक रही है, और कहां महाराज श्री कृष्ण। क्षमा करना पंडित जी, हमें अपने प्राणों से हाथ नहीं धोने जो तुम्हारा यह संदेश द्वारकाधीश तक पहुंचा है। कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न सर पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। न सर पे है पगड़ी, न सर पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जाकर ये कह दो, बस एक बार मोहन से जाकर ये कह दो कि मिलने सुना नसीब आ गया, नसीब आ गया है। अरे द्वार पालो गरीब कह दो कि दर पे सुनामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुनामा गरीब आ गया है। जब तक मेरा संदेश उस द्वारकाधीश तक नहीं पहुंचाती, तब तक मैं यहीं बैठा हूं, चाहे मेरे भूख प्यास से प्राण ही क्यों न चले जाए। जाने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे देखो तो सही,
इसकी देह कैसे कांप रही है, लगता है जैसे प्राण हिंदू पर अटके हैं। भगवान न करे अगर ब्राह्मण ने यही प्राण त्याग दिए तो, और अगर ये सच में द्वारिकाधीश का मित्र हुआ तो क्या होगा भैया? सही कहते हो, अगर ब्राह्मण हत्या का पाप लग गया तो पीढ़ियां नरक भोगेंगी, अगर महाराज का मित्र हुआ तो मृत्यु दंड का भय है। अपनी आने वाली पीढ़ियों को नरक में डालने से तो ये संदेश पहुंचाना ही ज्यादा अच्छा है, क्यों ना महाराज का संदेश पहुंचा दें? ऐसे करो तुम जाओ भैया। तुम जाओ भैया, तुम उम्र में बड़े ठहरे, मेरी बात को समझो, तुम ही जाओ। देखो भाई, मैं ठहरा बाल बच्चेदार परिवार वाला, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, तुम ठहरे कुंवारे अकेले। अच्छा मैं ही जाता। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा रास्ता दे दे, बिल्कुल बीच में ही। गुनोर सिंह जी, आज भी लीलाधारी के चेहरे पर मुस्कान है, लगता है जरूर कोई नई लीला रचने वाले हैं। द्वारकाधीश की जय हो। कहो द्वारपाल, इस समय कैसे आना हुआ? महाराज क्षमा चाहता हूँ, पर कारण ही कुछ ऐसा है, द्वार पर एक ब्राह्मण स्वयं को। रुक क्यों गए, आगे बोलो। द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण स्वयं को आपका मित्र बताता है, आपसे मिलना चाहता है, अपना नाम सुदामा बताता है। सुदामा? क्या कहा, सुदामा? मेरा बाल सगा सुदामा, मेरे बचपन का मित्र सुदामा, सुदामा मेरा मित्र सुदामा, नाथ वस्त्र संभाले, चरण पादुका तो पहन ले, स्वामी 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 स्वामी। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, जगाया गले से ब्राह्मण की मिली ताली के साथ तालियां। ये नंदाया बजी जाइए, साक्षात कृष्ण भगवान आए हैं। ऐसे सुदामा को मोहन, बसंते ही दौड़े चले आए मोहन, नंदाया गले से सुदामा को मोहन। हाथ फोड़ कर ऊपर किए हुए सभी बजाएं, सभी बोलो किसे करी आलोली की, बोलो बाके बिहारी की। सिंहासन पर बैठो। नहीं नहीं, मैं आपके सिंहासन पर कभी नहीं महाराज, ये पाप मुझसे न होगा। ये द्वारकाधीश, मैं निर्धन बदनसीब बक्का मारा कुछ ब्राह्मण आपके चरणों में बैठ सकूं तो मेरा सौभाग्य होगा। दीनानाथ कृष्ण प्रेम में नहीं, दीनानाथ सुदामा, मुझे महाराज कहकर प्रताड़ित न करो,
मैं संसार के लिए द्वारकाधीश हूँ, पर तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारा बाल सखा हूँ। मुझे बचपन की तरह कृष्ण, कन्हैया या मोहन कहकर पुकारो। मोहन, मोहन। देवान करीब आ गया।